फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से अल्फ़ाबेट बनाएंगे, ABCD बनाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स किया था कि मैम आप ये बना करके बताइए। मैंने 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स भी अपनी चैनल पे अपलोड किया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है। तो देखिए, इसके लिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है और 4 प्लाई हमारी वूल है। तो इस कलर से हम बनाएंगे ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो इसकी अगर साइज़ की बात करें तो देख लीजिए, देखिए 2.5 इंच के थोड़ा सा कम है। तो सभी ये जो हमारे नंबर्स है वो 2.5 इंच के करीब करीब ही आएंगे। देखिए, आप साइज़ में अगर पता करना चाहे तो थोड़ा सा आसपास रहेगा 2.5 इंच के, कोई थोड़ा सा छोटा होगा तो कोई थोड़ा सा बड़ा होगा। और ए से जेड तक हम ये पूरी कंप्लीट बनाएंगे, आपको एक एक करके वीडियो मिल जाएगा। तो इन वीडियो में हम ये 3 बना लेंगे, ए बी और सी। तो चलो हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमने 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स बनाए हैं वो हमने बच्चों के पलने की डोरी में यूज़ किया है। तो इसकी डोरी भी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप चाहे तो बहुत सारी जगह पर इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें किचन के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। 2 बना लीजिए आप इस तरह के, ए 2 बना लीजिए, फिर 2 को निडल की मदद से जॉइंट कर दीजिए तो एकदम से ये फ्रेश रहेगा। तो इसी तरह से हम इसे बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। या तो आप बेबी ब्लैंकेट बनाते हैं तो पहले बिना पैटर्न से सिंपल सा बुन करके इसमें आप पूरी ABCD लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप जैसा चाहे वैसा आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम ए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले चेन बनाएंगे 30। एक 2 3 4 5 6। तो देखिए हमने 30 चेन बना ली, 30। तो अब हम यहाँ पर देखिए लूप लेंगे और एक ही चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाना है हमें, तो एक हमने छोड़ दी और दूसरी वाली में हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, 13 बार टोटल हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 13, देखिए 3 बना लिया और 10 बना लेंगे और 10 बार बना लेंगे तो ये हमारे 13 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार आप बना लीजिए 13 बार। देखिए 13 बार हमने डबल क्रोशे बना लिए। अब हम नेक्स्ट चेन में 5 बार डबल क्रोशा बनाएंगे एक ही चेन में। देखिए 13 बार डबल क्रोशा बनाने के बाद हमने जो 14 वाली चेन है हमारी, इसमें हम टोटल 5 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 किया, 4 और ये 5। देखिए सेम चेन में हमने 5 बार डबल क्रोशा किया। अब फिर से जितनी भी हमारी चेन है इन सभी चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह हर एक चेन में एक एक बार, तो इसी तरह से बनाते हुए हम नीचे तक चले जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हमारा 3-4 बार जब डबल क्रोशा रह जाता है, इसके बाद हम इस धागे को, देखिए ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला धागा है, इसे हम इस साइड करके साथ में ले लेंगे ताकि हमें इसकी नोट ना लगानी पड़े ऐसे। तो इस धागे को हम साथ ले लेंगे और बाकी के डबल क्रोशे भी कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। और अब इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए तो अब हम यहाँ पर, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे, बीच वाला। तो देखिए स्लिप स्टिच से हम यहाँ तक जाएंगे, तो किस तरह से करेंगे स्लिप स्टिच, यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशे का ए वाला लूप दिखाई देता है इसके अंदर डाल करके एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक बार हम यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे करेंगे
तो दो बार स्लिप स्टिच हमने यहाँ पर कर दी। अब हम थोड़ा सा इसे लूज रखेंगे, स्लिप स्टिच करते वक्त हमेशा हाथ थोड़ा सा ढीला ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर पहली बार करेंगे स्लिप स्टिच एक, फिर से नेक्स्ट लूप में डालेंगे दो, फिर से नेक्स्ट में तीन और फिर से नेक्स्ट में चार। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। तो चार बार हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच की, देखिए। और अब हमें यहाँ पर से पहले तो हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर छः चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। छः चेन बनाने के बाद यहाँ से देखिए ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ से हम पहली स्टिच से गिनेंगे, देखिए एक दो तीन और चार। चौथी में इस तरह से डालेंगे, यहाँ पर नीचे से डाल करके हम धागा इस तरह से ले आएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें नीचे की ओर स्लिप स्टिच नहीं बनाना है, ऊपर की ओर देखिए इस वाली साइड हम दो बार स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर जॉइंट किया तो इसके अंदर हम फिर से यहाँ पर से नीचे से धागा डाल देंगे, सॉरी क्रोशिया डाल देंगे नीचे से। और इस तरह से एक और ये दो, दो बार हमने स्लिप स्टिच कर दी। फिर एक बार हम इसी तरह से ऊपर से कर देंगे, देखिए तो धागा हमारा ऊपर तक आ जाएगा। और अब हमें ये जो हमारी छः चेन है इसमें हमें छः बार डबल क्रोशे बनाने हैं। तो लूप लिया, पहली चेन हमारी जो है इसमें डाल करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर से नेक्स्ट में दो, तीन चार पाँच और छः, छः बार हमें यहाँ पर डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो देखिए अब हमें इसे यहाँ पर जॉइंट कर देना है। छः बार हमें डबल क्रोशे हमने बना लिए। अब हम यहाँ पर देखिए इसे रख करके देख लेंगे तो एक और दो छोड़कर तीसरी वाली में ये आ जाता है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर से ही धागा खींच करके यहाँ से ही काट देंगे इस तरह से। तो ए हमारा बन करके कंप्लीट हो गया, देखिए। और इस धागे को हम इसी क्रोशिए से देखिए इसे नीचे की ओर ले लेंगे, यहाँ पर इस तरह से नीचे से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर खींच देंगे, देखिए। फिर हम पीछे इसकी निडल में पिरो करके भी नोट लगा सकते हैं। तो ए हमारा बन करके रेडी हो गया, देखिए। और अब हम बी बनाएंगे, देखिए। तो बी बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर आप प्रेस लगा दीजिए एक बार गर्म करके, तो ये एकदम से फ्रेश हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुड़ता है इधर उधर क्योंकि वूल के हिसाब से थोड़ा तो इधर उधर रहता ही है, तो आप इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो चलो बी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बी के लिए हम पहले 36 चेन बनाएंगे, 36 वन टू थ्री फोर। तो देखिए सॉरी हमें 35 चेन बनानी है, 35 बनानी है, 36 नहीं बनानी है, एक कम करनी है। तो ये हमने 35 चेन बना ली और अब हम यहाँ पर देखिए एक चेन हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमने स्किप कर दी और नेक्स्ट वाली में हमने डबल क्रोशिया किया एक बार, फिर से नेक्स्ट चेन में दो बार, फिर से नेक्स्ट में तीन बार। तो इसी तरह से हमें 11 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। तीन हमने बना लिए और हम बना लेंगे और हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने 11 बार डबल क्रोशे बना लिए। अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से करना है, लूप लिया नेक्स्ट चेन में डाला, डबल क्रोशिया बनाना है लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, देखिए दो लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से लूप लिया नेक्स्ट चेन में डाला, निकाला आगे के दो निकाल दिए,
फिर से नेक्स्ट में ये तीसरी बार है, आगे के दो निकाल दिए, फिर से चौथी चेन में डालेंगे, आगे के दो निकाल देंगे, फिर से पांचवी चेन में डालेंगे, आगे के दो निकाल देंगे। देखिए हमने पांच चेन में अलग अलग इस तरह से डाला है, देखिए 1 2 3 4 और 5, और अब हमारे क्रोशिए में लूप हो गए 6, तो 6 लूप हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम इस तरह से ऐसे 6 लूप हमें एक ही साथ निकाल दिया। अब हम यहाँ पर लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार किया, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 3 बार, 3 डबल क्रोशिया हमने अलग अलग बनाए, देखिए। और अब हमें लूप लेना है और नेक्स्ट में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट में डाला, आगे के दो निकाल दिए। अब हम 3 लूप जब हमारे हो जाए तब हम दो में से एक कर देंगे। एक बार किया, इसी तरह से हम नेक्स्ट में फिर से करेंगे, दो में से एक कर देंगे। 2 बार किया, ऐसा हमें 6 बार बनाना है। 6 बार हम इस तरह से करेंगे, दो में से एक, इस तरह से। ये 3 बार किया, देखिए यहाँ पर 1 2 और 3। अब ये चौथी बार, 4 बार किया, ये 5, पांचवी बार किया, और ये छठी बार, इस तरह से। तो 6 बार हमने इस तरह से दो में से एक कर दिया। और अब हमारे पास जो 3 चेन है इसमें हम फिर से 3 बार अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से ऐसे। तो अब हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया इसका, देखिए ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे, देखिए 1 2 3, 3 चेन हम यहाँ पर छोड़ देंगे। देखिए ये जो हमने कॉर्नर बनाया था यहाँ पर 5 में से एक कर दिया था, इसके बाद की चेन हम यहाँ से गिनेंगे। देखिए पहली चेन है हमारी 1 2 और 3, यहाँ पर चौथी चेन में हम इसे जॉइंट करेंगे, देखिए इस वाली चेन में 1 2 3 और 4, चौथी चेन में हम यहाँ पर से इसे जॉइंट कर देंगे, इस तरह से ऐसे करके स्लिप स्टिच बना देंगे। और फिर से यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसका ये वाला एक लूप उठाएंगे और फिर से यहाँ पर आगे वाली चेन में भी डाल देंगे और फिर से स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से एक बार हम यहाँ पर लास्ट में डाल देंगे और फिर से यहाँ से एक चेन उठाएंगे और इसमें भी स्लिप स्टिच कर देंगे, देखिए इस तरह से। सामने सामने हम यहाँ से भी उठाते जाएंगे और यहाँ पर हमने 3 बार स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर दिया। और अब हम फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो हमने आखिरी हमने स्लिप स्टिच किया वहीं पर हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे एक किया और फिर से नेक्स्ट लूप में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया, ऐसे देखिए इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। और अब हम यहाँ पर से 9 चेन बनाएंगे। ये जो दूसरा वाला हमारा हिस्सा है इसे बनाने के लिए अब हम यहाँ से 9 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे, देखिए इस साइड यहाँ पर, देखिए ये जो हमारी पहली चेन दिखाई देती है इसे छोड़ करके हम यहाँ पर, देखिए यहाँ हमारी 3 चेन दिखती है इस वाले होल में, तो यहाँ पर भी हमारी 3 चेन दिखेगी, 1 2 और 3। तो यहाँ पर चौथी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर भी, इस तरह
ये हमारी उल्टी साइड है, देखिए राइट साइड हमारी इस तरफ है। तो फिर से एक बार स्लिप स्टिच किया और यहाँ पर फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और ये तीसरी बार कर देंगे। तीन बार हमें स्लिप स्टिच करके इसको पलट देना है इस तरह से, और क्रोशे को निकाल करके धागे को इस तरह से पीछे जाने देंगे इस साइड, और फिर से क्रोशिया इसमें डाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर इन जो नौ चेन है हमारी, इसमें अब हमें वर्क करना है। तो लूप लेंगे और पहले वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहली वाली चेन में एक बार, ये दो बार और ये तीन बार। तीनों चेन में हमने अलग अलग बनाया है, देखिए तीन चेन में हमने अलग अलग डबल क्रोशिया बनाया। अब हमारे पास जो बाकी चेन छह रह गई है, इन सभी में हम दो दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, सेम चेन में दो दो बार। देखिए एक किया और अब ये दूसरी बार इस तरह से, फिर से नेक्स्ट में दो बार। इसी तरह से हमारे पास छह चेन है तो इन छह में हम दो दो बार बना देंगे। ये तीन बार किया हमने और तीन बार हमें बनाना है, ये चौथी बार किया, ये पांच और ये छह। छह बार हमारे दो दो हो गए। अब हमें यहाँ पर जॉइंट करना है इसे, देखिए इसे थोड़ा सा आप गरम करके प्रेस लगा दीजिए तो ये एकदम से इसका शेप हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा पहला लूप दिखाई देता है यहाँ पर हमें जॉइंट करना है। यहाँ ये जो हमने सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसके बाद वाला जो लूप है इसमें हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इसी धागे को यहीं से ही खींच करके काट देंगे इसे, और इस धागे को हम यहाँ से ही नीचे की ओर खींच देंगे। देखिए क्रोशे में डाल करके इस तरह से यहाँ पर से निकाल देंगे इसे, और अब इस धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा बी बनकर भी रेडी हो गया है। देखिए इस धागे को हम यहाँ पर एक दो बार नॉट लगा देंगे और वो वाला धागा जो हमने आखिरी निकाला था इसका भी हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। दो तीन बार नॉट लगा दीजिए ताकि हम इसे वॉश करें या तो कहीं पर भी लगाएं तो इसकी नॉट हमारी जो है वो खुल ना जाए। तो इसी तरह से आप नॉट लगा करके एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए। तो देखिए हमारा बी रेडी हो गया। अब हम सी बनाएंगे। तो देखिए अब हम सी बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हमें चेन लेनी है 25। इस तरह से लूप लेंगे और 25 चेन बना लेंगे, 1 2 3। तो 25 चेन हमने बना ली 25 बार, और अब हम एक चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार किया और अब हम नेक्स्ट चेन में दो बार बनाएंगे, एक चेन में एक बार करेंगे और एक चेन में दो बार करेंगे। देखिए दूसरी वाली चेन में हम सेम चेन में दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने एक बनाया, एक हमने स्किप कर दी, एक हमने डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट में दो बार बनाया। अब फिर से नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, दो के बाद एक बनाया, अब फिर से नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में दो बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार। टोटल हमें आठ चेन यूज करनी है, आठ चेन तक हमें एक दो इस तरह से बनाना है। देखिए शुरू में हमने एक बार बनाया तो एक चेन, फिर से दो बनाया तो दो, फिर से एक बनाया तीन, फिर से एक बना दो बनाया सेम चेन में तो चार हो गए, फिर से एक पाँच, फिर से दो छः और फिर से एक सात।
तो अब हमारी फिर से दो बनेगी। तो आठ चेन हमने यूज़ कर ली, आठ बार हमने एक दो इस तरह से बना दिया। तो देखिए हमारे दो कितनी बार आए हैं, एक दो तीन और चार, चार बार हमने दो दो बनाए। तो यहाँ पर आठवीं चेन में दो बनाने के बाद अब हमें आठ चेन में अलग अलग एक एक बनाने हैं। एट चेन में हम एक एक बार बना लेंगे। देखिए दो बनाया, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। आठ चेन में हमने फिर से एक एक बार बना दिया। देखिए दो, चार, छः और आठ। तो अब हम फिर से जैसे हमने शुरू में किया था दो बार बनाएंगे। आठ बनाने के बाद हमने नौवीं चेन में देखिए दो बना दिया। अब फिर से एक बना देंगे। अब हम इस धागे को भी साथ ले लेंगे, फिर से दो बना देंगे, एक में एक और एक में दो। बाकी की जितनी भी चेन है हमारी, आठ ही चेन है हमारी, क्योंकि आठ हमने यहाँ पर बनाई, दो एक दो एक, इस तरह से आठ हमने अलग अलग बनाए, फिर से आठ में एक दो इस तरह से। तो तीन को आठ से गुना करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और हमने 25 चेन बनाई थी, एक हमने यहाँ पर स्किप की। तो तीन बार हमने आठ 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 इस तरह से यूज़ किया। तो दो बनाया, फिर से नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में दो बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में दो बनाएंगे। फिर से आखिरी चेन में हमारा लास्ट में एक बार आएगा इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा धागा इसका खींच देंगे और अब हम यहाँ पर एक और दो चेन बना करके ये जो पहला, ये जो आखिरी हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम यहीं से ही खींच करके धागा काट देंगे और पीछे जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसे भी हम काट देंगे। तो ये हमारा सी बन करके रेडी हो गया। अब हम इसकी नोट भी पीछे की ओर जा करके लगा देंगे। तो देखिए हमारे तीनों बन करके रेडी हो गए हैं। और आगे भी आप और ये अल्फ़ाबेट अगर बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चले कि कौन कौन इसे आगे भी बनाना चाहता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।